ठीक है। आज ये गांव बरवाल के बच्चे भी आ रहा है। कल रात और आज दिन में जो एक कैंपेन चलाई है, ये जो वॉल पेंटिंग का कार्यक्रम रखा गया था, ये स्थानीय जो युवा हैं गांव बरवाल के, उनके द्वारा रखा गया था। बेसिकली जो 8-10 गांव जो एडजॉइनिंग विलेजेस हैं बरवाल के, उनके बीच में जो सेंटर पॉइंट है, वहां कम से कम 10-20 हज़ार वृक्षों को काट कर सरकार की प्लानिंग है कि वहां सिडको इंडस्ट्री को उन्होंने लैंड ऑलरेडी सौंप दी है और उनकी प्लानिंग है कि अब इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाए वहाँ। और हम देख रहे हैं कि इतना हाईली वेजिटेटेड इलाका है हमारा, इतना डेंस पॉपुलेटेड भी है, और इस जो रिहायशी इलाके के बीचों बीच सरकार की जो मंशा है इंडस्ट्री लगाने की, वो हमारे समझ नहीं आ रही है कि सरकार चाहती क्या है। ऑलरेडी हम देखते हैं कि जहां इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है वहां किस प्रकार का प्रदूषण होता है, बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, ग्रोथ नहीं होती है, लोग अस्थमा के शिकार रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर सरकार को इंडस्ट्री लगानी है तो कहीं ऐसी जगह लगाए जो रिहायशी इलाके से बाहर हो। इस तरीके से यहाँ इतने वेजिटेटेड इलाके को काट के, पेड़ों को काट के, जिनकी पूजा करते हैं लोग, जिनको हर व्यक्ति कहता है, हमारे धर्मशास्त्रों में भी इनकी पूजा का प्रावधान है, पेड़ों की पूजा का, और इस तरीके से इतनी भारी संख्या में पेड़ों को काट के इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना, ये मुझे लगता है कहीं की समझदारी नहीं है। और इसी के विरोध प्रदर्शन में आज एक वॉल पेंटिंग करके संदेश दिया गया कि इस तरीके का विरोध जो है वो सारी जनता आम पब्लिक करती है। इससे पहले हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगाह किया था, चिपकू मूवमेंट भी चलाया था। मैं हमारा यही प्रयास है कि इस तरीके का जो सरकार का प्रावधान है वो सरकार जल्द से जल्द इसको वापस ले ले, और अगर यहाँ कुछ करना है और बड़े बड़े पार्क्स बना सकते हैं, अगर सरकार को लैंड अपने को सिक्योर करना है, पार्क बनाए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को सौंप दे, वृक्ष और लगाएँ, काटें ना, इतना हमारा है। और इस जो सेफ़ इलाका है, जो कंडी एरिया का सेफ बेल्ट है, एक साइड आपने लगेट में भी इंडस्ट्री सेटअप कर दी, घाटी में भी सेटअप कर दी, अब बीच का जो इलाका है वहाँ भी सेटअप करके क्या दिखाना चाहते हैं? ऑलरेडी बाकी कुछ तो है ही नहीं, लोगों के पास यही है, स्वास्थ्य को आप नुकसान मत पहुँचाएं, पेड़ों को बचने दें। ऑलरेडी जो हमने आज के हमारे जो स्लोगन्स थे इस कार्यक्रम के, हमने रखे थे कि गो बैक सिड को, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ बचाएं हम, सेव ट्रीज सेव लाइफ, इन स्लोगनों को हमने वॉल पेंटिंग के जरिए प्रदर्शित किया है और अपना विरोध जाहिर किया है सिडको के खिलाफ। आगे मुहिम आपकी जारी रहेगी? जी, ये मुहिम हमारी जारी रहेगी, लोगों का जन सैलाब उतरेगा इस मुहिम के अंदर, और लोगों के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है, हर तरीके की हम रिजेंटमेंट पेश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर सरकार इस तरीके के कार्यक्रम को जारी रखने का प्रयास करती है तो बहुत बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन होगा। ये चेतावनी है सरकार को और सिडको को।